वालेकुम। फ्रैक्शन के एक और लेसन में आपको खुश आमदेद कहेंगे। इस लेसन में फ्रैक्शन को हम एज ए डेसिमल लिखना सीखेंगे कि एक फ्रैक्शन को किस तरह से हम डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। आइए शुरू। सबसे पहले हमें यह जानने की जरूरत है कि परसेंट को हम डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं, और इसको हमें डेसिमल फॉर्म में लिखने के लिए परसेंट को सबसे पहले हम रीराइट करते हैं ऐसे फ्रैक्शन में जिसका डिनोमिनेटर 100 हो, और उसके बाद हम उसको डेसिमल में लिख सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहली एग्जांपल में हमें 63% को डेसिमल फॉर्म में लिखना है, तो यानी 63 को हम 100 डिनोमिनेटर के साथ लिखेंगे, यानी 63% बराबर होता है 63 ऑफ 100, यानी 63 आउट ऑफ 100। तो आइए अब हम इसको डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं, यानी 63 को 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.63। यानी अगर हम इसको गौर से देखें तो हमने फर्स्ट ये डेसिमल में यहाँ पॉइंट होता है, तो 1, 2, 1 है, हमने 2 पॉइंट्स पॉइंट्स को मूव किया तो हमें हासिल हुआ 0.63। इसी तरह से 8% को हमने लिखना है, तो 8/100 हम लिखेंगे। सबसे पहले हमने इसको फ्रैक्शन में तब्दील किया पहले स्टेप में, और दूसरे स्टेप में हम इसको डेसिमल में लिखेंगे, यानी 8 को हम डिवाइड कर देंगे 100 से, या हम जो है पॉइंट्स को मूव करेंगे, यानी पॉइंट्स यहाँ है तो यहाँ मूव करने के लिए A1 और दूसरा अदद लाने के लिए हम 0 बढ़ा देंगे, यानी 0.08 जो है ये फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाएगा। आइए हम डेसिमल को परसेंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और डेसिमल को परसेंट में लिखने के लिए जरूरी है कि डेसिमल को जो है हम ऐसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं जिसका डिनोमिनेटर 100 हो, और फिर हम उस फ्रैक्शन को परसेंट की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो आइए हमारे पास एक एग्जांपल है, लेकिन 0.32 को हमें परसेंट में चेंज करना है, तो हम सबसे पहले देखेंगे एक इशारिया मूव करेंगे और 1 लिखेंगे उसकी जगह पर, और इसके बाद इशारे के बाद 2 अदद है तो इसलिए हम 20 लिख लेंगे। तो इस तरह से ये डेसिमल जो है वो 32/100 पे कन्वर्ट हो जाएगा, और हम जानते हैं कि आउट ऑफ 100 जो है वो परसेंट कहलाता है, तो आउट ऑफ 100 यहाँ पर हमारे पास 32 है, तो इस तरह से हमें 32% हासिल हो गया, यानी 0.32 इक्वल होता है 32% के। इसी तरह से देखें ये सवाल है, 0.4 को हमें परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो हमने 0.4 लिया, लेकिन यहाँ पर हम ऊपर वाला तरीका अख्तियार करने के बजाय हम इसका 100 डिनोमिनेटर हासिल करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से डिवाइड कर देंगे। तो आइए इसको 100 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके देखते हैं, तो ये आ जाएगा, हमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 40 हासिल हो जाएगा, यानी 40/100 हो जाएगा, जो कि 40% के बराबर होगा। आइए एक वर्ड प्रॉब्लम हल करते हैं। इस वर्ड प्रॉब्लम में हमें बताया गया है कि 0.7 जो है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर वाटर होता है, और इस 0.7 को हमें परसेंट में बताना है, यानी कि सवाल हल करके हमें ये बताना है कि इंसान की बॉडी में कितना परसेंट वाटर होता है। तो आइए हम इसको डेसिमल को जो है परसेंट में कन्वर्ट करते हैं। 0.7 को परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे ताकि हमें 100 डिनोमिनेटर हासिल हो जाए। जब हम 0.7 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 70 हासिल होगा। इस तरह से हमें जो है 100 वाला फ्रैक्शन हासिल हो जाएगा, यानी 70/100 हासिल हो जाएगा, और 70/100 यानी 70/100 भी 70%। तो इस तरह से हमें पता चल जाएगा कि इन ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है वो 70% वाटर होता है, या 0.7 वाटर होता है। तो आइए एक और सवाल को हल करते हैं। इस सवाल में हमें बताया गया है कि बैंक जो है वो 4% जो है वो सेविंग अकाउंट पे जो है इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है, तो इस 4% को हमें डेसिमल में लिखना है। तो इसको 4% हमने लिखा और इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा, यानी 4/100 लिखा। अब हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए इस 4 को 100 से डिवाइड कर देंगे। एक तरीका तो ये है कि आप कैलकुलेटर पर 4 लिखें और 100 से डिवाइड कर दें। दूसरा तरीका ये है कि आप पॉइंट्स को मूव कर दें, यानी ये 4 के बाद पॉइंट था तो एक अदद ये 4 हो गया, दूसरा अदद हमने एक 0 बढ़ाया, और फिर उसके बाद हमने डेसिमल पॉइंट लगा के एक 0 लगाया, तो इस तरह से हमें हासिल हुआ 0.04। आइए हम ये लिख लेते हैं। तो इस तरह से 4% जो है वो बराबर होता है 0.04 के। आइए वीडियो के इस सेक्शन में जो कुछ भी हमने अब तक पढ़ा है उसको समराइज करते हैं। जैसे परसेंट से डेसिमल में चेंज करने के लिए जो पहला ऑप्शन है वो है कि हम जो है उस डेसिमल को जो है 100 से 100 से डिवाइड करके और उसमें से परसेंट के साइन को रिमूव कर दें, तो हमें हम डेसिमल से परसेंट की तरफ चले जाते हैं। ये बिल्कुल इसी तरह से है कि आप पॉइंट को जो है वो 2 पॉइंट्स लेफ्ट की तरफ मूव कर दें। जैसे 57 है तो अब हम क्या करेंगे, 2 पॉइंट को लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे, यानी अगर यहाँ पर डेसिमल पॉइंट है परसेंट के बाद
तो डू मूव करेंगे, यानी पहला मूव किया, दूसरा मूव किया और उसके बाद हम डेसिमल पॉइंट लगा देंगे, तो इस तरह से हमें देखें 0.0 0.57 हासिल हो जाएगा, यानी 57% बराबर हो जाएगा 0.57 के। इसी तरह से अगर हमें डेसिमल से परसेंट की तरफ जाना है तो हम क्या करेंगे, डेसिमल को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक तरीका तो ये है, 100 से मल्टीप्लाई करके लिख दें और परसेंट का साइन बढ़ा दें। दूसरा तरीका यह है कि पॉइंट को जो है वो दाएं तरफ मूव कर दें, टू पॉइंट, जैसे 0.4 है तो हम इसको दोबारा से लिखते हैं, तो 0.4 है तो हम 2 पॉइंट इसको दाएं तरफ इस पॉइंट को मूव कर देंगे, तो एक पॉइंट दूसरा पॉइंट मूव करेंगे तो ये 41 के बाद डेसिमल आ जाएगा, यानी कि 41% हमें हासिल हो जाएगा। आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। शुक्रिया।